दंगे में दिल्ली पुलिस ने अब तक 230 से ज्यादा FIR दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस ने कुछ CCTV फुटेज को भी अपने कब्जे में लिया है, जिनकी जांच का काम चल रहा है। दंगे में हुई हत्याओं और कुछ आगजनी की घटनाओं की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच करेगी। इसके साथ ही IB अंकित शर्मा की हत्या का मामला और ताहिर हुसैन मामले की जांच भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम करेगी। पुलिस के सामने हथियार निकालने वाले शाहरुख की तलाश में दिल्ली पुलिस के छापे लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस को शाहरुख की लोकेशन पता चल गई है और वो कभी भी गिरफ्तार हो सकता है। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि ताहिर हुसैन अभी फरार है और उसकी गिरफ्तारी को लेकर भी कई मामले सामने आए हैं और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उन्हें ढूंढने में लगी है। लेकिन उस आरोपी का क्या जो दिन दहाड़े यूं घूमता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कहने पर हिंसा हुई थी, कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा अब जंतर मंतर पर शांति मार्च निकाल रहे हैं, जिसने भड़काऊ भाषण देने के बाद हिंसा का माहौल उत्पन्न किया था। अब ताहिर हुसैन को ढूंढने में जहां ये पुलिस लग रही है, वहीं कपिल मिश्रा पर कोई पकड़ ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कपिल को छूट दी जा रही है और ताहिर पर सख्त कानून आजमाया जा रहा है, जबकि दोनों ही बराबर के भागीदारी हैं। लेकिन यहाँ पर न्याय ही एक अलग रास्ते पर दिखाई दे रहा है। आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। SPN9 न्यूज रूम से नाजमिन की रिपोर्ट।